गाइस क्या होगा अगर हम चिंगम को निकाल जाए। गाइस आज मैं लेकर आ चुका है कुछ ऐसे में जिसे आप भी आज सच मानते हैं, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक का बटन जो जरूर से दबा दीजिएगा। गाइस कुछ लोगों का कहना है कि चिंगम को जब हम निकल जाते हैं तो इसको पचने में पूरे के पूरे 7 साल लगते हैं, लेकिन गाइस ये बिल्कुल तरह से ये मिथ है। गाइस सच तो ये है कि चिंगम को चबाने वाला तत्व अपचीय होता है और वह मल के रास्ते शरीर के द्वारा बाहर निकल जाता है। बचा हुआ शेष जो रहता है वो पच जाता है। इसको पचने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये पच जाता है। ब्लैक होल में गड्ढा होता है। गाइस ये भी एक बिल्कुल तरह से मिथ है। गाइस असल में ब्लैक होल में काफ़ी घने ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और यही कारण है कि यह प्रकाश को भी अपनी ओर खींचने में सक्षम रहता है। हमारी हाथ की रेखाएं हमारी भविष्यवाणी बता सकती है। गाइस ये भी एक बिल्कुल तरह से मिथ है। बाप रे, ये तो धोती खोल। गाइस हमारी हाथ की रेखाएं कभी हमारी भविष्य नहीं बता सकती है। गाइस ये भी एक बिल्कुल तरह से फेक मिथ है। कोई भी हमारे हाथ को देखकर भविष्य, हाथ के लकीर को देखकर हमारी भविष्य नहीं बता सकता है। हमें रोजाना 8 गिलास पानी पीना चाहिए। गाइस ये भी बिल्कुल तरह से मिथ है। गाइस अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें गाइस पानी की मात्रा बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि गाइस एक्सरसाइज करने में उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा प्यास लगता है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए रोजाना 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। टीवी को जाकर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक जाकर बैठकर देखने में हमारे आंखों को नुकसान पहुंचते हैं, लेकिन गाइस ये भी बिल्कुल तरह से ये मिथ है।